श्री हरिवंश, जय श्री राधा रमन लाल सरकार की, जय प्रेमानंद गुरु शक्ति गुरु देव की। सभी कृष्ण भक्तों का इस वीडियो में सभी का स्वागत है। जो देखते हैं प्रेमानंद महाराज जी गुरुदेव के दर्शन करते हैं पावन दर्शन, और इस दर्शन को हर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस और आकर्षित करता है ये दर्शन, क्योंकि पावन सत्य गुरु यानी कि इतने परम ज्ञान प्रदान है, इतने परम गुरु हैं कि इनके ज्ञान के ही मात्र से हम सभी को कल्याण होता है और हम सबका अंधकार मिटता है ज्ञान से। और जो संसार में हर कोई प्राणी दुखी है, केवल मानसिकता से बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि बहुत सारी डिप्रेशन है, अपने आप को खुश नहीं रख पाता इंसान। गुरु वर्ग अपने प्रवचनों से भक्त को आनंदित करते हैं, आत्मा को निर्मलता करते हैं, और जो माया की जो भी मैल चढ़ो होता है मन पर, उसको धोते हैं गुरुदेव अपने प्रवचनों से। और राधा रानी सरकार का केवल नाम जपने को कहते हैं मात्र, इसमें कोई खर्चा नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं लगता, और केवल नाम जप में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, केवल नाम ही जपो। दो अक्षरों का नाम है हमारे स्वामिनी जी का, लेकिन महान कार्य हो जाते हैं। और जो राधा राधा राम नाम रटता है, उसका जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसे से बहुत ही कृपा बरसती है राधा रानी सरकार की। और बात करें प्रदीप मिश्रा गुरुदेव की, जो शिव पुराण की कथा के माध्यम से अपने शिव भगवान की कृपाओं के बारे में वर्णन करते हैं, और शिव भगवान के बारे में जितना हो सके अपनी तरफ से वो पूरी की पूरी कोशिश करते हैं अपने शिव भगवान की कथा गाने की, और उनके बारे में, उनकी लीलाएं, उनकी कृपा के बारे में जितना विशेष से विशेष बातें बता सकें बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे पावन गुरु और ऐसे परम कथावाचक को सुनना हर कोई पसंद करता है, और इनकी कथा सुनने से हमारा जीवन में बहुत कुछ ऐसा वो चीज़ें मिल जाती हैं, वो अनुभव मिल जाता है, जो बड़े बड़े दुखों का समाधान मिल जाता है, जो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास भी नहीं मिल पाता दवाइयों से, इलाजों से। एक लोटल जल सारी समस्याओं का हल, महादेव के व्रत और महादेव के उपाय कुछ ऐसे बता देते हैं गुरुदेव, जो बड़े से बड़े बीमारी काट देते हैं और बड़े से बड़े रोगी अपने रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रदीप मिश्रा जी जो भी बताते हैं महादेव पे विश्वास कर बताते हैं, और अपने महादेव की कृपा पे उनके बल पर बोल देते हैं भक्त को, और भक्त अपने सच्चे हृदय से, वो सच्चे हृदय से अपने कार्य करता है, अपने महादेव की कृपा के पात्र बन जाता है। ऐसे महान गुरु, ऐसे हमारे परमपिता परमात्मा बहुत दयालु हैं, अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त एक पल ध्यान रहे, जो भी हम जीवन में अपना कष्ट भोगते हैं, कुछ अपने ज़्यादा अच्छाई की कीमत झुकाते हैं, या फिर हमारे कर्म हमारे आगे आते हैं, तो दो ही बातें हैं। लेकिन इस जन्म में 84 लाख ही होने के बाद हमें तन मिलता है, तो इस जन्म में ध्यान रहे किसी संत का, किसी भक्त का या किसी धर्म का अपमान ना करें, क्योंकि प्रभु की कृपा जिस पर बरस जाती है उसको एक दिव्य शक्ति मिल जाती है, जो अपनी दृष्टि से हर कड़कड़ में भगवान को देखने लग जाता है, और अपने ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश हो जाता है उसके मन में कि बस प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसे कथा सुनने से हमारा दिल का प्रेम जागता है और अपने प्रभु से प्रेम होता है। तो प्यारे प्यारे ज़रूर कमेंट करें, और अपने चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट देते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नई वीडियो आपको चाहिए तो।